वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक और बार खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स। और गाइस हम हमेशा रोब्लॉक्स इसलिए खेलते हैं क्योंकि हमारे पास और कुछ खेलने के लिए होता नहीं है, पर रोब्लॉक्स के अंदर आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रो अबी 2। सो गाइस ये भी एक पार्क और ये पर इसमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। जो आप यहाँ ट्राइंगल देख पा रहे हो उसमें हम अपना आकार बदल सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूँगी तो देखो गाइस मैं एकदम बड़ी हो जाती हूँ और हमें ऐसे इसका यूज़ करते जाना है। देखो मेरी चेन कितनी प्यारी लग रही है। वैसे अभी मुझे अपने नॉर्मल साइज में आना है इसलिए मुझे मरना पड़ेगा। और देखो मैं छोटी हूँ इसलिए मैं कितने हल्के चल रही हूँ। वैसे बस ऐसे लगते पर ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं मरूँगी और मैं अपने नॉर्मल साइज में आ जाऊँगी, उसके बाद हम ये पार्कौर स्टार्ट करेंगे। ओके जल्दी करो भाई। तो गाइस यहाँ पे हमें अभी जो हमारा इजी अभी में था हमें लेजर्स को टच नहीं करना था। इसमें भी आप लेजर्स भी नहीं कह सकते उनको, जो भी कह लो आप स्टेप्स। अभी हमें जल्दी से करना है, अगर जल्दी नहीं करेंगे तो हमारा पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और गाइस देखो हम लाल पीले हो चुके हैं। वैसे लाल पीले तो नहीं हुआ है, सिर्फ लाल ही हुआ है और ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है। पर मैं बहुत क्लोज आ चुकी थी, मैंने बेवकूफ़ी वाला काम किया। ओके एक लड़की मेरे साथ चल रही है और देखो इसका भी पोस्टमार्टम हो गया। मेरा क्यों हुआ? ओके सो गाइस आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी, मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, पता नहीं गला खड़ा कब होगा। ऐसे गला हमेशा खड़ा तो ही रहता है। और इस बंदी ने मुझे फिर से मरवा दिया, वाह तारी होनी चाहिए भाई। ना खुद कर रही है ना मुझे करने दे रही है। और गाइस देखो डेडपूल मैंने अभी देखा, फ्री ये कह रहे हैं कि हाँ फ्री है मुझे भी दो। अरे मुझे नहीं दे रहे, फ्री है यार, फ्री मॉक्स। और ये क्या है, गोल्डन गाया मॉर्फा फल। गाइस मुझसे नाम ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा, बड़ा अजीब सा नाम है। जो भी है अभी हमें टाइम वेस्ट तो नहीं करना है। आई थिंक गाइस ये वही लड़की थी जो मुझे बार बार गिरा रही थी। मरेगी ना बड़ा मज़ा आएगा, पर क्या पता है इस बेचारी का कोई कसूर ना हो रहा। मैं क्यों मर जाऊँ गाइस। एक तो इन्होंने पार्क को इतना मुश्किल बनाया है गाइस। ये ना उनकी चाल होती है, गेम में ग्लिच हुआ है कोई, मैंने कुछ नहीं किया मैं आपको पहले बता रही हूँ। वह गलती भी मेरी है, मैं ढंग से नहीं कर रही। और देखो गाइस फिर से मरी मैं फिर से। और देखो ये लड़की अब ये तो गारंटीज मरेगी। और देखो वहाँ रेनबो सीढ़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। अभी हमें एकदम स्लोली करना है, हमें स्लोली स्लोली चलना है, धीमे धीमे और धीमे धीमे चलने से भी कुछ नहीं हुआ, पता नहीं अब क्या होगा। अब तो गाइस अभी मैं देखती हूँ कब ये मुझसे पूरा होगा। ओह नो गाइस आपने देखा, पर मैंने चेक पॉइंट लिया था, मेरी मुंडी ने टच की थी। ओके सो गाइस देखो हमने चेक पॉइंट ले लिया, अभी हमें जाना है उस तरफ फटाफट। ये भी हम पार करते हैं, ऐसे कोई मुश्किल नहीं जो मुझे रोक पाए। ऐसे सारे बीच में गला सही करना पड़ता है, मतलब मैं आपको अपनी अजीब आवाज़ थोड़ी ना सुनाऊँगी। वैसे मेरी आवाज़ इतनी अजीब आती है उसमें रिकॉर्डिंग में, मैं खुद सुनती रहती हूँ, थोड़ी तो अजीब आती ही है। अब हमें यहाँ पे ओके मैं यहाँ जंप नहीं मार पाई गाइस। अब हमें इसके लिए छोटा होना पड़ेगा क्योंकि बस गेम का लॉजिक है, मुझसे मत पूछना मैंने क्योंकि बोल दिया। अब मुझे जो आया मैंने वो बोल दिया। ओ यार हम यहाँ से जंप नहीं मार सकते इसके ऊपर। ओके हम नहीं मार सकते, अभी हमें छोटा होना ही पड़ेगा। ऐ छोटे होके भी नहीं मार पाए, ये क्या है, ये क्या पंगा है, ये मतलब चीटिंग कर रहे हैं ये लोग तो हमारे साथ, ये तो हमें फुद्द बना रहे हैं। ओके हमने यहाँ से जंप मार लिया गाइस। देखो IQ नंबर 3999। अब हमें ये तो आराम से ही करना है। अगर एक और चेक पॉइंट और रेनबो वाली सीढ़ियों की तरह इस ऑबी की तरह जैसे रेनबो फ्लाइट, हम यहाँ से भी लोड़ लोड़ लग के चलते हैं। सॉरी गाइस। सो गाइस जब यहाँ वॉल है हमें इसके लिए बड़ा होना पड़ेगा।
अगर आप मेरे पास रोब्लॉक्स खेलना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे ऐड कर लो, मैं ज़रूर ऐड करूँगी आपको, या और प्लीज़ मुझे स्नैपचैट पे भी ऐड कर लेना। पहले आप कमेंट कर देना कि आप ऐड कर रहे हो, तो हाँ फिर अच्छा लगता है। गाइस मेरी वीडियो पे व्यूज़ तो आते हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता, मतलब दैट्स नॉट इनफ। देखो अभी हम बड़े हो चुके हैं और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, वैसे गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है। गाइस अब नीचे एक छेद है जिसमें हमें ऐसे जाना है, वैसे हम चाहे तो ऊपर से भी जा सकते थे पर पता नहीं मैं क्यों नीचे से आई। ओके उसको गाइस आकर लग रहा क्योंकि हमारा प्लेयर बहुत हल्के चल रहे हैं पर वो तेज़ ही चल रहा है। और देखो गाइस ये नोटिफिकेशन फिर से आई। गाइस आपने मेरे एक एक ऐसी भी वीडियो देखी है जिसमें ये नोटिफिकेशन आई हो, और अभी हम अपने नॉर्मल साइज में आ चुके हैं। मैं ग्रीन पर चलती हूँ पर वो ग्रीन सही नहीं है, पागल बना रहे हैं हमारे मिलकर। जल्दी कर दो यार, ये तो लोड होने में इतना टाइम लगता है। ओके अब मैं चलूँगी ब्लू, जो कि सरासर गलत था। मैं तो हमेशा गलत ही होती हूँ, कभी सही तो निकलता नहीं है मेरा। देखो एक लड़की मरी है, मरी है। अब क्या हो रहा है, अब तो गाइस अब बाकी का ऑप्शन है जो रेडी होगा, अब मुझे नहीं पता अब रेड होगा। चलो उसके बाद रेड, ओके उसके बाद आई थिंक देखो एक बार बड़े होके यहाँ से आकर जंप मार के देखें। ओए होए गाइस देखो पोपट वो वही हो गया, बड़े होने की कोशिश की, जंप मारने की कोशिश की, हम तो नीचे गिर गए। किसी का भला चाहना ही नहीं है हमारे साथ, वो चाहता नहीं है कि हम जीते। हल्का सा पैर, ओके ये सही है बिल्कुल। अभी हम चलते हैं, अभी मैं जाऊंगी रेड। ओके रेड सेफ नहीं है, कोई और बंदा है जो मुझे बताए। ओके अभी हम ब्लू देखेंगे, ग्रीन का तो पता नहीं पर ब्लू लग रहा है फिर भी। और गाइस ये मुझे सबसे इरिटेटिंग पार्ट लगता है, और अभी हम जाएंगे फिर से ब्लू में जाते हैं। ओह सरासर गलत होना है, और गाइस देखते हैं मैं आपको जब मिलती हूँ जब ये पूरा मैं कोशिश करूँगी ये सही हो जाए। ओके सो गाइस अभी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा कलर है, बस जो लास्ट पैटर्न थे वो थे ब्लू येलो ब्लू। सो गाइस बस ये एक ट्राई हो सकता है, ये मैं समझ रहा कि मैंने चीटिंग की है कि ये ब्लू होगा। गाइस इट्स द राइट आंसर ये ब्रो। और देखते हैं अब यहाँ पे भी चलते हैं, देखते हैं अब हमें क्या कठिनाई होगी। यहाँ वैसे अभी यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा ही नहीं है। और देखो ये रेड लेवर, हमें एकदम हल्का हल्का चलना है ना, धीमे धीमे। ओके ये नाइस, और ये ब्रिज वाला सुपर ईजी लग रहा है, पर सुपर ईजी कहने के चक्कर में पोपट ना हो जाए कि हमारा गिर ही जाए हम। उस साइड से चलते हैं क्योंकि बस बस इसलिए क्योंकि वहाँ से वो ज़्यादा नीचे जा रहा था, ज़्यादा नीचे ढल रहा था, ढल भी नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। और गाइस देखो आप ये जो ये है जिसको हम लैडर जिसको पकड़ के हम ऊपर जा रहे हैं वो नीचे से गायब हो रही है। हाँ मैं ये लिली पैड के ऊपर से जा रहे हैं जो कि लिली पैड तो बिल्कुल नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कि क्ले को चपटा कर दिया हो। और यहाँ पर अभी हमें ग्लास के ऊपर से जाना है जो कि सुपर इजी है। ओके अब यहाँ टेबल्स के ऊपर से, और पता नहीं हम मर क्यों गए। देखो ये पता नहीं हमारा कौन सा पुर्जा है, हमें धीमे 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 जाना है। ओके सो गाइस अभी यहाँ पे हम ऑरेंज स्टेयर्स के पास आ चुके हैं, और ये रेड लाइन को हमें टच नहीं करना है, ये भी लेवर ही लग रही है। अब यहाँ पे चलते हैं ऊपर एक लैडर वाली टाइट रोप है, फटाफट इसको भी करते हैं जो कि सुपर इजी लग रही है, देखते हैं हमारे लिए सुपर इजी होती है या नहीं। यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ जंप मार देंगे, और गाइस फाइनली हमने ये वाला पार्कोर कंप्लीट कर दिया है।
अब देखते हैं, हम अपने प्राइजेस ले लेते हैं। यहाँ मैं एक येलो पाथ, मुझे मुझे रेनबो पाथ चाहिए भाई, पर चलो कोई नहीं। यहाँ मैं अपना खुद का पार्कौर भी बना सकती हूँ, बस इसमें बड़ा मज़ा आता है। मतलब मैंने अपना कभी खुद का पार्कौर बनाया तो है नहीं, पर जो ये पाथ होता है ना, इनको लगाने में बड़ा मज़ा आता है। और देखो गाइस, ये क्रिस्टल जैसे कैसे लग रहे हैं एकदम मस्त। जो माइनक्राफ्ट के न्यू अपडेट में वो आया ना, वो पर्पल कलर के क्रिस्टल जो भी हैं, वो उनका नाम मैं भूल गई हूँ। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में माइनक्राफ्ट खेलूँ, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आए गए, तो बस मैं माइनक्राफ्ट खेलूँगी। और गाइस, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय गाइस।